गाइस इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो फोर्थ ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।